ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने डिटेल में स्टडी किया लास्ट लेक्चर के अंदर, और उसमें हमने ये देखा जी कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, नेगेटिव की कैसी होंगी, दोनों पॉजिटिव हों फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या बिहेवियर होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है फिर उनके दरमियान में क्या सिचुएशन होगी। फिर हमने दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले ली, उनकी दरमियान में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व किया। फिर हमने ये देखा कि एक चार्ज पार्टिकल है और एक मेटल उसके करीब ले आए हम, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह उस मेटल की सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ले आएंगी। और एंड पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटर टू द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर नहीं हो सकती। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिया, और उसमें हमने ये सीखा कि अगर लाइटनिंग हो जाती है तो वो लाइटनिंग जहाज की मेटल सरफेस के अंदर इंटर नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया जी, ये था लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने स्टडी किया। आइए अब देखते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, वही काम जो हम करके आए हैं उसी को डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें जो है वो नए भी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। पहला पॉइंट देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से शुरू होंगी और खत्म हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज के ऊपर, यही चीज हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको सीखने के लिए मैं जरा ऐसे करता हूं कि वन सेकंड प्लीज। ओके, ये हम जो है वो लेक्चर नंबर 6 में वापस आ चुके हैं, जो कि हम जो है वो लास्ट लेक्चर था हमारा। अगर आपको ये दिख रहा है, उम्मीद है ये सब बच्चों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं ये इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ जी। फिगर 11.5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मैंने अज्यूम किया। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं, जब मैं इन चार्जेस से थोड़ा सा दूर हट गया हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कर्व हो चुकी है। नजर आ रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यहाँ पे कर्व्ड है, लेकिन जब मैं मिड में आ जाता हूँ तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट हो गए फिर तो मसला नहीं, क्यों, क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है, डायरेक्शन क्या है मिड में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ तो ये कर्व हो रही है। अब मैं कैसे डायरेक्शन फाइंड करूं, क्योंकि अब तो स्ट्रेट वाला मामला है नहीं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं लेट से मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करूंगा। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि एक ही पॉइंट से पास हो सकती है। तो अब आप देखिएगा, जब मैं यहां पर टेंजेंट ड्रा करूंगा, माजरा चाहता हूं ये थोड़ा माउस जो है मेरा गड़बड़ कर सकता है, यहां पर ये देखिए
जब मैंने ये टेंजेंट ड्रा किया तो इस टेंजेंट ने इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी। मैं कहता हूं नहीं जी, मैंने तो यहां पे जो है वो फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक टेंजेंट ड्रा कर लूंगा। ये देखिए जरा, ये अब इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और इस फर्ज करें मैं कहता हूं नहीं जी, मैंने तो यहां पे फाइंड करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पे ये ड्रा कर लिया जी। तो जहां पे भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर कर्व्ड केस के अंदर, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रा करूंगा और वो पर्टिकुलर टेंजेंट मुझे उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। फर्ज करें मैं कहता हूं जी मैंने तो मिड में फाइंड करनी थी, तो मिड में टेंजेंट ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, सामने नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल पॉजिटिव से निकल रही है, उधर से जा रही है नेगेटिव की तरफ, तो बात खत्म हो गई। अगर कर्व्ड आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे और वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता देगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए वापस चलता हूं जरा। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। दूसरा पॉइंट क्या है, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और यही क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था, अगर आपको याद हो कि सर जो ये बीच में जो है ये टेंजेंट वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब बता दें, तो ये इसका मतलब है बच्चे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाए, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग। बात ही खत्म हो गई। जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी, मतलब उनके दरमियान में जो फासला है वो भी ऑलमोस्ट बराबर होगा। और यही चीज हम देख के आए हैं, वापिस चले जाते हैं। ये देखिए जरा इसमें क्या हो रहा है आपके सामने, कि मिड के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिड के अंदर जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे के बहुत ही क्लोजर हैं और इक्वली स्पेस्ड है, नियरली इक्वली स्पेस्ड है। लेकिन जो जो मैं दूर जाता जाऊंगा तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है, मतलब फील्ड वीक होती जा रही है। अच्छा जी, ये चीज हमने देख ली। फोर्थ पॉइंट की तरफ आ जाए, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, बेशक लिख लीजिए अपने पास, कॉपी और पेंसिल पास रखा करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको लिख लिया करें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि सारी चीजें नोट्स के अंदर लिखी हों जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाते हैं उनको साथ साथ नोट करते जाइए। अच्छा जी, सवाल लिखिएगा, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्यों क्रॉस नहीं कर सकते। आइए इसका आप आंसर देख लेते हैं। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? दिस इज बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होगी, वो कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इफ द लाइंस क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, अगर एक पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाती हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शनें हो गई हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ये वायलेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। अगर ये काम हो जाए तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है यहाँ पे कि ये होगा,
वो उसकी वायलेशन हो जाएगी और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आइए थोड़ा सा इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा लेक्चर नंबर 6 की तरफ मूव करूंगा। देखिए जनाब, दोबारा से वो पिक्चर आ गई हमारे पास 11.5। यहां पे मुझे बताइए कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दोनों पिक्चर के अंदर आपको क्रॉस होती हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही। अब देख रहे हो कि कोई भी दो क्रॉस एक दूसरे को नहीं कर रही हैं, सारी के सारी अलग हैं, सेपरेट हैं। यहां पे लास्ट लेक्चर के अंदर आपका ये क्वेश्चन बनता था मुझसे करना कि सर यहां पे अगर ये आपने इन दोनों को क्रॉस क्यों नहीं कराया, इधर से क्रॉस क्यों नहीं कराया, बल्कि आपने जो है वो इसी में अपनी आसानी समझी के पास जो सर बता रहे हैं वही ठीक है। सो अगर ये क्रॉस कर जाती हैं तो क्या होगा वहां पे? वहां पे एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे, देखिएगा जरा, अब देखना जरा। मैं कहता हूं जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक ये है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है जी, उस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया, ये इधर चली गई, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब यहां पे ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ये वाला देखिएगा जरा, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये पर्टिकुलर क्रॉसिंग पॉइंट, यहां पे आप देख रहे हो कि इस क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो गई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, और इस जहां से ये क्रॉस कर रही हैं वहां पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो गई हैं, एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, कभी भी दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की वायलेशन हो जाएगी, इस वजह से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, और यही चीज हम डायग्राम के अंदर देख के आए हैं, और यही चीज आपने भी बनाई है जब आपने दो नेगेटिव चार्जेस लिए, लेकिन वहां पे आपने एक्सप्लेन नहीं किया उसको, और ना ही आपने सोचा कि ऐसा हो रहा क्यों है। चलें जी, ये हो गई बात, तो वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज सीख ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और ये चार प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बुक में नहीं है, इसी वजह से मैंने इनको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है उसमें से ये स्क्रीन शॉट लेके इस लेक्चर के अंदर इसको मैंने इंटर किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये हमने चार चीजें सीख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे खत्म होंगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर कर्व्ड केस के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वहां पे टेंजेंट ड्रा करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जो दूर जाते जाएंगे वो फील्ड वीक होती जाएगी। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ये वायलेशन हो जाएगी इनकी प्रॉपर्टीज की। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। अच्छा, इसकी तीन एप्लीकेशंस हैं, आपने देखी होंगी बुक में। पहली थी जनाब वो फोटोकॉपी मशीन, दूसरी है लेजर प्रिंटर, और थर्ड है इंकजेट प्रिंटर्स। यहाँ पे मैंने थर्ड से काम शुरू किया, उसकी वजह ये है कि ऊपर थोड़ा सा पोर्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला भी आ रहा था, तो मैंने कहा चलें पहले थर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो बाकी दो रह जाएंगी उनको हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी था इंक जेट वाला, तो मैंने कहा चलें इसके साथ शामिल कर दूंगा। अच्छा जी, अब इंक जेट प्रिंटर्स, दो तरह के प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर है क्या पहले तो ये देखना पड़ेगा, आप सब वाकिफ हैं इससे, ये एक इक्विपमेंट है, गैजेट है जिसको हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, और ज्यादातर हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। आपने कॉलेज में भी अक्सर देखा होगा, एडमिन स्टाफ में भी पढ़ा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हो एग्जाम सेल में भी पढ़ा हुआ है,
ये वही प्रिंटर है जो कि आपके फीस चालान निकालता है। अच्छा तो चलते हैं फिर इसकी जरा फंक्शन देख लेते हैं। आजकल जो प्रिंटर यूज हो रहे हैं वो लेजर प्रिंटर हैं, लेकिन ये जो इंक जेट प्रिंटर है ये थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। लेजर प्रिंटर को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो इंक जेट प्रिंटर है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मैं ये सारी कहानी जो बीच वाली लिखी हुई है इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं जो हूं ना वो मैं डायग्राम को डिस्कस करूंगा, जब मैं डायग्राम को डिस्कस करूंगा तो सारी सारी चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप वहां से स्टडी कर लीजिएगा, वही चीज होगी जो मैं बताऊंगा। कोई और उसमें कोई पॉइंट इंटर हुआ तो वो लेटर ऑन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा आइए इसका मेथड देखते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे इंक सप्लाई लिखा हुआ है, ये बॉटल लगी हुई है इंक की जहां से इंक निकलेगी। ऊपर लगा हुआ है पंप, पंप क्या करेगा, पंप क्या करेगा, उस इंक को, उस इंक को पुश करेगा, पंप करेगा, ऊपर लेके आएगा। और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, आगे एक नोजल लगी हुई है यहाँ पे, जिस तरह आप देखते हो वो बार्बर्स के पास जो है वो एक बॉटल होती है, जिस स्प्रे बॉटल, उसको हम जो है स्प्रे करते हैं। बेटा आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, लेकिन अभी जो है वो मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने दें, हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह गया, 9 मिनट्स हैं ओनली। अच्छा तो ये इंक हो गया, ऊपर हो गया पंप, ऊपर लगी हुई है नोजल। जब इंक पंप होगी तो इस नोजल से इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे छोटे छोटे कतरों की शक्ल में ये इंक बाहर निकलेगी। इंक बाहर आ गई, ओके जी, ये आप देख रहे हो छोटे छोटे ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं। आगे हमने चार्जिंग कंट्रोल लगाया हुआ है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक टर्मिनल है। अब ये इलेक्ट्रोड चार्जिंग कंट्रोल है नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोड के अंदर से जब ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स पास होंगे तो ये इलेक्ट्रोड उनको चार्ज अप कर देगा, उन्हें क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। मैं कहता हूं जी पॉजिटिव चार्ज कर दिया, क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब किन ड्रॉपलेट्स को वो पॉजिटिव चार्ज करेगा, क्या सारों को करेगा या कुछ को करेगा, अब इस पे बात आ जाती है। फर्ज करें कि मैं चाहता हूं कि पेपर के ऊपर पाक लिखा हुआ आ जाए, वो पार्टिकल्स, क्योंकि इंक तो सारी आ रही है, वो पार्टिकल्स जिन्होंने पाक लिखने में पार्टिसिपेट करना है उनको ये इलेक्ट्रोड चार्ज नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पार्टिकल्स ने पाक लिखने में पार्टिसिपेट करना है ये इलेक्ट्रोड उनको चार्ज अप नहीं करेगा। जिन्होंने नहीं लिखना, क्योंकि इंक तो सारी आ रही है ना, अगर मैं सारी कोई जाने दूं तो ये तो पाक कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ये तो दबा पड़ जाएगा पेज के ऊपर, मैंने तो पाक लिखना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ ड्रॉपलेट्स को इलेक्ट्रोड से पास किया, वो पार्टिकल्स जिन्होंने पाक लिखना है उनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करेंगे हम, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना उनको ये इलेक्ट्रोड चार्ज कर देगा। तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज कर दिया इसने, कौन सा चार्ज कर दिया, पॉजिटिव, किसको, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना, और जिन्होंने करना है उनको कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी चलें ये काम हो गया, ये कौन करेगा, इलेक्ट्रोड करेगा। आगे आ गई है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, इनके नाम से ही पता चल रहा है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये क्या करेंगी, इनके ऊपर भी चार्ज है, इन प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज है। मैं कहता हूं जो ऊपर वाली प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो नीचे वाली है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो पार्टिकल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोड ने उनको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है पीछे वाले सेक्शन में। अब वो आ गए हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में, अब ये सारे ड्रॉपलेट्स किधर आ गए हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। मुझे ये बताएं
जिन पार्टिकल्स ने पार्टिसिपेट करना है उनके ऊपर तो कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रल है वो। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनको कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगी, वो पार्टिकल्स आराम से इनमें से गुजर के पेपर के ऊपर पहुंच जाएंगे। और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना था उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये प्लेट कौन सी है पॉजिटिव, ये कौन सी है नेगेटिव, पॉजिटिव उनको क्या करेगा रिपेल और नेगेटिव उनको क्या करेगा अट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि ऊपर से भी फोर्स आ रही है, नीचे से भी कूलम फोर्स आ रही है, वो कूलम फोर्स इन पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देगी, उनका रास्ता मोड़ देगी। और नीचे एक ये हमने सेपरेट बॉटल लगाई हुई है, उसमें ये जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना था वो इकट्ठे होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इंक जेट प्रिंटर का प्रोसीजर सीख लिया, एंड दैट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमिना। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना को यूज करते हुए हमने इसका प्रोसीजर सीखा है। यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ, इंक सप्लाई है, पंप है, नोजल है, वहां से स्प्रे हुई इंक इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, आगे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना उनको चार्ज अप कर दिया पॉजिटिव, जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है उनको कोई भी चार्ज असाइन नहीं किया, आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, जब उसमें से ये ड्रॉपलेट्स गुजरे, जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था उन्हें कोई असर नहीं होगा, वो सामने गुजर गए, और जिन्होंने नहीं करना था ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनका रुख मोड़ देंगी और नीचे एक सेपरेट बोतल लगी हुई है उसमें ये सारे चले जाएंगे। सो ये था हमारा इंक जेट प्रिंटर का प्रोसीजर, इसको आपने स्टडी कर लेना है। अभी जो है वो हम फौरन से कुछ जो है वो आपके क्वेश्चन सुनेंगे और फिर हम देखते हैं जो है वो लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है जी।